So hey everyone, this is Akshat back again with a new video. So today's video is episode number 2 of the bulking series. इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा एक 800 to 900 कैलोरीज का शेक, मास गेनर शेक, जो कि हार्ट गेनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है. ठीक है, आप लोग उसको ट्राई करो और खुद ट्राई करके देखो भाई साहब, आपको एक महीने के अंदर रिजल्ट ना दिखे तब बताओ. बिना टाइम वेस्ट करते हुए चालू करते हैं, बनाते हैं शेक. चलो भाई, पहली चीज़ तो एज अ फिटनेस फ्रीक आपके घर पे एक चीज तो होनी चाहिए, जो कि है वेइंग स्केल, आपका फूड मेजर करने के लिए. ठीक है, क्योंकि भाई मतलब एक टाइम हुआ करता था जब खाना सिर्फ खाना होता था, आज खाने को नाप नाप के खाना पड़ता है. डालना क्या क्या है, बहुत सिंपल सा फंडा बता दे रहा हूँ आपको कि बादाम अगर नहीं डाल पा रहे हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, आप पीनट बादाम की जगह पीनट भी यूज़ कर सकते हो. एक सीट ले रखा है डीमार्ट वगैरह अगर कहीं आसपास हो आपके, तो एक तो आता है जिसमें सब सेपरेट्स होते हैं, जैसे कि देखो पम्पकिन सीड भी है और फ्लैक्स सीड भी है और चिया सीड्स भी है, सारे सीड्स मिक्स है इसमें, वाटरमेलन सीड और सब है इसमें. ठीक है, एक आप ऐसे ले सकते हो, इवन ये आपको सस्ता पड़ेगा, ये कुछ 170 रुपीस का पड़ता है, तो आप ये भी ले सकते हो. और अदरवाइज अलग अलग लेना चाह रहे हो तो आई प्रेफर कि आप एक तो ले लो चिया सीड्स, एक ले लो फ्लैक्स सीड्स, चलेगा काफ़ी अपना. ठीक है, सनफ्लावर वगैरह इतना मायने नहीं रखता, बट आप चाहो तो ले सकते हो, इट्स ऑल अपॉन यू. ठीक है, ये हो गया. फिर आता हमारा ओट्स, किस पर किसी प्रोटीन का डब्बा उब्बा होगा, ये मास गेनर बहुत पहले, मास गेनर के ऊपर भी एक प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा, ये बहुत पहले मैंने मास गेनर यूज़ किया था, उसका एक मास गेनर का अच्छा सा रिव्यूज़ दूंगा आपको, ताकि आप लोग को ये पता चले कि मास गेनर यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. ठीक है, ये पावर कार्ब्स हैं जो पता नहीं बहुत पहले लिए थे मैंने, बनाऊँगा इसके ऊपर भी. ये आपका हो गया ओट्स, ये मिलते हैं पीनट्स. ठीक है, और साला मैं भी भूल जाता हूँ कितना कितना रहता है, तो मेरा ये पूरी डाइट मैंने बना के रखी हुई है. देखो दिखाऊँ, बल्किंग डाइट फॉर दिस वीक 15 जैन टू 21 जैन. ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लो फटाक से. ये देखो टोटल कैलोरीज 3000 हैं इसकी. चाहोगे तो एक अलग से वैसे मील डे मैं बनाने वाला हूँ, आपको कोई ज़रूरत है नहीं, मैं एक पूरा मील प्लान आपको बना के दूंगा होटल ईट इन अ डे करके, तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा. ठीक है, तो और आपको लेना है दो बनाना, और लाइट आ गई होगी ना इसमें, बनाने नहीं है क्या, खत्म हो गया क्या करने साले, मुझे लगा नहीं है, ये मेरा चूतिया भाई है ना, इसको कुछ अकल अकल नहीं है. ठीक है, तो ये पीनट बटर ले लिया, 3 केले हैं ये मेरे पास. बहुत लोग ये सोचते हैं कि बहुत पैसा कुकिंग ऑर्डर लेके आ रहा है, ये आ रहा है भाई, अब तो ला ही नहीं सकते ये वो, भाई कुछ नहीं, मेहनत किया थोड़ा बहुत इंस्टा विंस्टा पे, उसी से ये सब स्टैक मिल रहा है पूरा पूरा. ठीक है, मिलने तो एज इट इज का भी वाला था, पर चू चू बना दिया उन लोगों ने मेरे को. क्या बोला तूने, पता नहीं कब देंगे. ठीक है, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक. ये हमारा मिक्सर जार, स्टार्टिंग करेंगे हम लोग ओट्स से, 50 ग्राम्स ऑफ ओट्स. पचास ग्राम. अब बताओ क्या दिन थे खाने को, खाने की तरह खाया करते रहे, आज नाप नाप के खाना पड़ रहा है. ठीक है, 50 ग्राम ऑफ ओट्स डालो इसमें, 20 ग्राम्स ज़्यादा हो गया. अरे भैया गरीब आदमी हूँ, ज़्यादा बस 20 ग्राम्स ऑफ पीनट्स. ये मैं ग्राम्स से नहीं करता हूँ, क्योंकि आपको एक आइडिया हो ही जाता है करते करते, मैं ऐसे ही जनरली एक ऐसे इतना निकाल लिया और डाल दिया, बस हो गया इतना. तो वैसे मैंने तो 5 बादाम मतलब लिखा था अपने उसमें, बट 5 बादाम में कुछ होता नहीं है, तो मैं एटलीस्ट 10 बादाम तो डाल ही लेता हूँ. ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 10 बादाम आपके हो गए. अब आते हैं हमारा सबसे मेन इंग्रेडिएंट, मेन इंग्रेडिएंट तो सारे ही हैं, बट इसके बिना हमारा ये बलशे का दूरा है, ये है केले. आपको पता है जो ऐसे वाले केले होते हैं ना जिनमें ये सब स्पॉट्स पड़े होते हैं, ये बेस्ट केले होते हैं. ठीक है, ये खुद ही स्वीटनर का काम कर देते हैं, आपको ज़्यादा वो नहीं करना होता है, ये खुद ही स्वीटनर का काम कर देते हैं, तो ये हो गया. बाकी यार बॉडी बनानी है तो स्वीट वीट भूलना पड़ेगा. ठीक है, ये तो हो गया अपने इंग्रेडिएंट सारे. अब आते हैं पीनट बटर पे.
पीनट बटर भाई जो भी आप यूज़ करो, मैं ये कोई ब्रांड वो नहीं है यूट्यूब, क्योंकि इतना अच्छा वो नहीं है अभी ना, तो मैं इस पे मेरे को कोई भी ब्रांड का वो नहीं करना है, बट पर्सनली मैं बोलूँ तो मुझे अच्छा लगता है। कल भी उन्होंने दिया, अच्छा लग रहा है, कभी ये डाल लेता हूँ कभी ये डाल लेता हूँ, इसका भी प्ले नहीं है ये। 1 स्कूप पीनट बटर, स्कूप टेबल स्पून, मैं थोड़ा ज़्यादा करके ले लेता हूँ, आप चाहो तो उसको मेजर भी कर सकते हो, बट मुझे लगता नहीं कि इसको ऐसे मेजर करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो भाई ये तो हो गया हमारा मेन पूरा बन के। ठीक है, अब मिक्सर वक्सर आप वगैरह हो गए, मेरे को लगता नहीं कि उससे इसलिए बताना कुछ जरूरी है। कुछ लोग चाहें तो ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने वो कर दिया, मतलब खाली बादाम भी, खाली बादाम कर सकते हो, बादाम नहीं भी करोगे तो फिर आप पीनट्स की मात्रा थोड़ी बढ़ा दो, 20 ग्राम से 30 ग्राम कर दो उनको, बस और कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं है। मैं बादाम ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो ये मिक्स वाला है भाई, हम इंडियंस है ना, थोड़ा बहुत चिल्ली के लिए तो करते ही हैं, ना भी चाहे ना तब भी थोड़ा बहुत तो हो ही जाती है, कह रहे ये नहीं ये नहीं। पीनट बटर थोड़ा सा उसमें बच गया स्पून में, तो उसको धुलने की जगह ऐसे ही खा लो, वेस्ट ना हो जाए, क्या पता 1 ग्राम प्रोटीन वेस्ट हो जाए। मैंने 1/2 ग्लास ऑफ मिल्क बोला हुआ है, मतलब अपनी तरफ से, क्योंकि क्या होता है जब मिल्क ज़्यादा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा थिक बन जाता है, फिर जब थिक बन जाता है तो पिया नहीं जाता है। 1/2 ग्लास ऑफ मिल्क डाल दो और 1/2 ग्लास वाटर डाल सकते हो, आपके लिए पीने में थोड़ा ज़्यादा ईजी होगा और डाइजेशन में भी थोड़ा ईजी हो जाएगा। और भाई रही बात गट हेल्थ की, इसको लेकर तो देखो स्टार्टिंग में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल इतना ही पियो, थोड़ा थोड़ा कम करके पियो। हेल्दी फाइव मी या माय पैल फिटनेस करके कोई सा भी ऐप डाउनलोड करो, कैलोरीज काउंट करो अपनी, कितनी कर रहे हो कितनी नहीं कर रहे हो। अगर आप इसको एक बार में बना ले रहे हो, पी पा रहे हो, तो वेल एंड गुड, और मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप पहली बार में पहले दिन ही पी जाओ किसी भी तरीके की हिम्मत करके, वरना फिर आपके पेट की जो लगने वाली है ना। ठीक है, हाँ आप ये कर सकते हो कि आप इतना बनाओ, इसको दिन की 2 मील में डिवाइड कर दो, एक दिन में पी लो, एक थोड़ी देर बाद पी लो या थोड़ी देर पहले पी लो, अरे जब भी मनो पी लेना अपने हिसाब से, 2 बार पी सकते हो इसको। ठीक है, आपको अंदाजा है तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हो, वो आप लोग के लिए क्यूटी लाइन क्यूटी, अरे बहुत वायरल हो रखे है मेरे इंस्टा पे, मेरी एक वीडियो 15-17 मिलियन जो गई है उसमें सिर्फ यही वायरल हुई है कि योर मिक्सर ग्राइंडर इज क्यूटी, योर मिक्सर ग्राइंडर इज क्यूटी। भाई मैं भी हूँ वीडियो में यार, ऐसे मतलब इग्नोर मारा है ना ऐसे मेरे को, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। चलो क्यूटी चालू हो जा, इतना डार्क बन रखा है, ऐसा लग रहा है प्रॉपर चॉकलेट ही चॉकलेट है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड कर दो ताकि मिक्स भी अच्छे से हो जाए। जब भी मन करे ना, व्हेन यू वांट टू गिव अप रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड। ठीक है, ऐसे मोटिवेशन लो भाई साहब, ऐसे सामान भी रखो ऐसा ही साला मोटिवेशन आ जाए देख के। देखो मिक्सिबिलिटी, देखो भाई साहब थिकनेस, देखो ये हो गया आपका 900-1000 कैलोरी का शेक। अब इसको आप चाहो तो 2 बार में पियो, ना चाहो तो 1 बार में पी लो। ठीक है, बाकी आप दिन में 1 मील ऐसे ऐड करो, देखो आपके 1000 कैलोरीज तो इसी में पूरी हो गई, और चाहिए क्या। एक चीज और बता दूं, जो लोग मेरी इंस्टा की पब्लिक यहाँ पे देख रही होगी मेरे को, उन लोग के लिए कि वो लोग बोलेंगे कि भाई आपका तो बहुत फेस अभी साफ था, ये हो गया वो हो गया, तो एक बात ध्यान रखो, जब भी आप एक अचानक से डाइट पे स्विच करते हो ना, कि जैसे मैं बहुत टाइम से भी बाहर था, लखनऊ में था, हैदराबाद में था, तो मैं डेली स्किन केयर कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, बट अभी क्या है, अभी जब आप नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा आते हो ना, जब आप फिजिक को लेकर थोड़ा वो होते हो, आप हेल्दी चीज़ों पे ज़्यादा आते हो, जैसे मैं इस टाइम अश्वगंधा इनटेक कर रहा हूँ, शीला जी इनटेक कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें वो हैं जो ऑलरेडी बहुत गर्म है, बादाम है ये बहुत गर्म है, और ड्राई फ्रूट्स में खा रहा हूँ इतने, वो भी गर्म होते हैं, तो इस वजह से ये सब पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं। छेड़ने की जरूरत नहीं है इनको, ठीक है, छुओ मत, स्किन केयर डेली करते रहो, एक स्किन केयर के ऊपर प्रॉपर वीडियो मैं बना दूंगा अलग से, तो मुझको ये देख के ना बोलने लग जाना कि भाई इंस्टा पे तो बहुत वो देखते हो, फिल्टर आता है, फिल्टर कुछ नहीं लगाता, बट हाँ ये है कि अभी मैं प्रॉपर डाइट पे आ गया हूँ, इस वजह से ये पिंपल्स ज़्यादा निकल आए हैं। ओके, हो सकता है कि आप लोग के माइंड में सब कुछ क्वेश्चन, तो मैं बता दूँ कि जब जब आप डाइट पे रहोगे तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है, इसके एडवांटेज तो कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स तो होंगे, इसके नहीं है, मतलब मैं बता रहा हूँ जब आपकी डाइट के इतने एडवांटेजेस हैं कि आपकी बॉडी बनाने में हेल्प कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, थोड़ा बहुत ड्रॉबैक्स तो होंगे, उतना तो लेके चलना ही पड़ता है, नॉर्मल बात है।
तो भाई दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग, और आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इवन आपकी हेल्प भी की होगी। या 800 से 900 कैलोरी का शेक आपके बल्किंग रूटीन में बहुत हेल्प करने वाला है आपको, आप इसको डेली कंज्यूम करो भाई साहब। रिजल्ट ना मिले तब बताओ मेरे को, जब आप इतना पियोगे ना ऑलरेडी रिजल्ट मिलेगा। वर्कआउट अच्छा करो, अच्छा वर्कआउट फॉलो करो। मैंने पुश का रूटीन डाल दिया है, पुल का मैं डालने जा रहा हूँ, आज जाके रिकॉर्ड कर लूँगा, तो मैं कल परसों अपलोड करूँगा, एक दिन छोड़ के एक दिन कर रहा हूँ, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग, और आई होप कि यू विल लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डू देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो आपकी जो भी क्वेरीज हो, जिस चीज़ के रिगार्डिंग जो भी हो, आप मुझे कमेंट कर देना। इंस्टा का लिंक ऊपर कहीं आ रहा होगा, मैं लगा दूंगा, आप लोग जाके उस पर सर्च करके उस पर फॉलो कर लो, वो भी आप लोग के लिए। आप वहाँ DM भी कर सकते हो मेरे को, और इस पर कमेंट भी कर सकते हो, दोनों पे रिप्लाई देता हूँ, सारे DM के रिप्लाई देता हूँ, सारे कमेंट्स के रिप्लाई देता हूँ। और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिनको इसकी नीड है बहुत ज़्यादा, जो लोग थोड़े स्किनी हैं, हार्ट गेनर्स के लिए बेस्ट है ये, यूज़ करो, रिजल्ट देखो। थैंक यू, बाद में करना। चलो बाय, टेक केयर, जय हिंद।